और ब्रायन के देखते देखते उसमें से एक लड़की ने अपना चाकू निकाला और उसके पास जो एक बिल्ली थी उसे काट कर उस आग में डालकर शैतान को बलि अर्पित कर। आपने उन वस्त्रों को देखा होगा जो शैतान के उपासक इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के वस्त्रों को पहनकर 10 से 12 लड़कियां, जवान लड़कियां आग के चारों तरफ खड़ी हुई थी और आप सबको जय मसीह। कैसे एक डरावने अनुभव को लेकर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बदल देता है। कैसे एक व्यक्ति डर के बीच में, भय के बीच में था और वहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह के बड़े अद्भुत काम को देखा। यह गवाही आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपके विश्वास को शक्तिशाली बनाएगी। जीवन के किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे हो, यह गवाही आपको बल देगी और मैं चाहता हूँ इस गवाही को आप पूरा देखिए और आखिर में जब आप इस गवाही को पूरा देख लें तो कमेंट करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ। मसीह यीशु में मेरे भाइयों और बहनों, ब्रायन स्टार्ले नामक व्यक्ति जो कि स्पार्टा जॉर्जिया में रहता है, उसकी एक अद्भुत गवाही है। यह गवाही इंग्लिश में यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे हिंदी में आपके समक्ष लाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ब्रायन स्टार्ले जो है वो स्पार्टा जॉर्जिया में रहता है और वहाँ पर अपने घर के आसपास जो जंगल है उन जंगलों में अक्सर वो पैदल टहलने जाया करता था। और जब वो टहलता था तो अक्सर वो यह किया करता था कि कान में हेडफोन्स लगा लेता था और हेडफोन्स लगाने के बाद वह लगातार चलते जाता था और प्रभु से बात करते रहता था, वचनों को सुनता था और आत्मा में प्रार्थना किया करता था। एक ऐसा समय आया कि आत्मा में प्रार्थना करते करते प्रभु में वो इतना डूब गया, खुदावन में वो इतना डूब गया कि जंगल की गहराइयों में जाते समय उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो जंगल में कितनी दूर निकल आया है। और जब उसे याद आया कि वह अब रास्ता भटक चुका है और उसे रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, घने जंगलों के बीच में, जॉर्जिया में जो घने जंगल हैं उनके बीच में वह फंस चुका था और वह डर रहा था क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और अंधेरा जंगल में बहुत तेजी से फैलता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी जंगल में गए हो तो आपको पता होगा वहां पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां पे प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है। घने जंगलों के बीच में यह ब्रायन स्टार्ले फंस चुका था और वह डर रहा था कि अब रात को जंगली जानवर आएंगे और शायद उस पर हमला कर दें। लेकिन इसी बीच में चूंकि उसका जो छोटा भाई था वह एक शिकारी था, उसको याद आया कि उसके छोटे भाई ने उसे एक टिप दी थी कि कभी भी अगर आप जंगल में फंस जाएं तो रोशनी के एक सोते को हमेशा ढूंढें। रोशनी का कोई भी स्रोत, लाइट का कोई भी सोर्स अगर आपको दिखे तो आप उस सोर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए ब्रायन स्टार्ले ने लाइट के उस सोर्स को ढूंढना शुरू किया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जंगल में वह फंस चुका था और आप सोचिए और इमेजिन कीजिए कि ऐसे सिचुएशन में आप होते तो क्या करें। लेकिन ब्रायन को अचानक ही दूर एक आशा की किरण दिखी। उसको लगा कि वह एक लाइट का सोर्स देख रहा है और यह लाइट का जो सोर्स है वो एक जलती हुई आग थी और उसे लगा कि यह आग शायद किसी कैंपर ने जलाई हो, आसपास के कोई लोग होंगे जो यहाँ पर कैंपिंग करने आए होंगे, शायद मुझे यहाँ से बचने का कोई उपाय मिल जाए। वह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाता है, चूंकि जॉर्जिया की जो जंगल है वहाँ की जो पेड़ है वो बड़े काले रंग के और डार्क कलर के होते हैं और इसलिए वहां पर उसने देखा कि दूर में आग के चारों तरफ कुछ लोग खड़े हुए। जब वो और थोड़े करीब गया तो उसे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहां पर उसने देखा कि 10 से 12 लड़कियां, आपने उन वस्त्रों को देखा होगा जो शैतान के उपासक इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के वस्त्रों को पहनकर 10 से 12 लड़कियां, जवान लड़कियां आग के चारों तरफ खड़ी हुई थी और ब्रायन के देखते देखते उसमें से एक लड़की ने अपना चाकू निकाला और उसके पास जो एक बिल्ली थी उसे काट कर उस आग में डालकर शैतान को बलि अर्पित कर। ब्रायन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अपने सामने देख रहा है कि शैतान के आराधक, शैतान की उपासना करने वाले रात में जंगल में आग के चारों तरफ खड़े होकर ये जो लड़कियां हैं ये बलि चढ़ा रही हैं शैतान। यह अनुभव उसके लिए पहला था इसलिए वह बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे उसे कुछ सूझा नहीं, इसलिए वह तुरंत उसने कदम वापस लेने की कोशिश की और हड़बड़ा गया और उस हड़बड़ाहट में उसकी जो आवाज थी लकड़ियों की, वह लकड़ियों के चरमराने की आवाज उन शैतान के पुजारियों ने सुनी। उसमें से एक लड़की जिसके हाथ में चाकू था उसने ब्रायन की ओर अपना चाकू दिखाते हुए जोर से चिल्लाया
तुम यहाँ क्या कर रहे? और उस चाकू से अभी भी उस बिल्ली का खून टपक रहा था। और ब्रायन डर के मारे वहाँ पे एक ऐसी दशा में पहुँच गया जहाँ पर वह न तो आगे बढ़ पा रहा है न पीछे जा पा रहा है। वह पूरी तरह से डर के मारे जम गया था। इतना ज्यादा डर गया था, अब उसे लग रहा था कि अब शायद उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को महसूस किया और अचानक ही पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के वह जोर से चिल्लाया कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है और आज मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यह बात सुनकर वो जो लड़कियां थी घबरा गई और 10 से जो 11 लड़कियां थी उसमें लगभग जो 10 लड़कियां थी उसमें से 9 जो लड़कियां थी वहां से भाग गई, लेकिन एक लड़की जिसके हाथ में चाकू था, जिसने उस बिल्ली को मार के उस आग में डाला था जो शैतान की उपासक थी, वो वहां पर घुटनों में बैठ गई और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ब्रायन स्टार्ले को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और यह लड़की क्यों रो रही है। वह खुद भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि जंगल के बीच में वह लड़की उसके सामने थी और वह बिल्कुल अकेला था। उसको नहीं पता था कि अब आगे क्या हो। वो लड़की चीखे लगाकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी और ब्रायन स्टार्ले को समझ नहीं आ रहा था। वो बस प्रभु से प्रार्थना करते हुए वहां खड़ा था। अचानक ही वो लड़की ब्रायन की ओर झपट पड़ी और उसे अपने गले लगाकर रोने लगी। ब्रायन तो डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की मुझ पर हमला कर रही है, लेकिन रोते रोते वह लड़की कहने लगी कि आज तुमको परमेश्वर ने यहाँ भेजा। और उस लड़की ने जो कहानी बताई, उस लड़की ने जो बात बताई, उस बात को सुनकर ब्रायन के होश उड़ गए। ब्रायन को उस लड़की ने बताया कि कैसे उसकी माँ एक विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, एक प्रार्थना करने वाली महिला है। बचपन में यह लड़की भी संडे स्कूल जाया करती थी, चर्च जाया करती थी और उसका विश्वास प्रभु पर था, लेकिन कुछ गलत संगतियों के कारण बहुत ही कम उम्र में टैरो कार्ड्स और अलग अलग तरह के डिमोनिक बोर्ड्स का, डिमोनिक गेम्स का उपयोग करने के कारण ये लड़की जो है अब शैतानिक ट्रैप में फंस गई थी। ये लड़की बताने लगी कि कैसे ये परमेश्वर से दूर हो गई थी और पूरा इसका विश्वास खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी माँ इससे बार बार कहती थी कि बेटी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु के पास वापस आ जाओ, प्रभु यीशु के पास वापस आ जाओ, प्रभु यीशु तुमसे प्यार कर। ये लड़की अपनी माँ पर चिल्लाती रहती थी कि तुम्हारा परमेश्वर है ही नहीं। और ये लड़की आज ब्रायन स्टार्ले को गले लगाकर रो रही है जंगल के बीच में गुप्त अंधेरे में, और वह कह रही है कि आज जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु तुमसे बात करे। तो ये लड़की बताती है कि कैसे इसने झल्लाकर अपनी माँ को जवाब दिया और कहा कि अगर सच में तुम्हारा परमेश्वर जीवित है तो आज वो किसी को भेजे, वो मुझसे कहे कि वो जिंदा है और मुझसे प्यार करता है। ब्रायन को जब यह बात पता चली उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। सोचिए, ब्रायन जंगल में भटक गया था, उसको लग रहा था कि वह भटक गया। वो प्रभु से प्रार्थना करते करते ऐसे रास्तों पे चले गया जहां पर उसको लगने लगा कि शायद वो भटक गया है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का आत्मा ही उसे लिए चल रहा था। और कैसे उस लड़की ने अपनी माँ से उसी दिन कहा था कि अगर तुम्हारा परमेश्वर जीवित है तो आज किसी को भेजकर मुझसे कह दे कि वो जीवित है और मुझसे प्रेम करता है। और ब्रायन वहां पहुंचा, भले ही उसको लग रहा था ब्रायन को कि वह भटक गया है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का नियंत्रण उसके जीवन से समाप्त नहीं हुआ था। वहां पर जब वह पहुंचा तो ब्रायन ने कैसे उससे कहा, उसी परमेश्वर ने, उसी प्रभु यीशु मसीह ने ब्रायन के द्वारा उस लड़की से बातें की और कहा, परमेश्वर जीवित है और तुमसे प्यार करता है। वो लड़की जान गई कि इस आदमी को परमेश्वर ने भेजा और मेरी माँ की प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु ने दिया है। इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आपका ईमान मजबूत होगा। आप याद रखिए, जिंदगी की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, इस वक्त आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण आपके जीवन में बना हुआ है। आपकी प्रार्थनाएं कभी भी खाली नहीं जा रही है। परमेश्वर बहरा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु जिंदा खुदावंद है और प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे मुलाकात करने जा रहा है।